देखिए बच्चे, क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि पहले पता करिए कि एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, सो पता करने के बाद फिफ्थ टर्म निकालना, 15th टर्म, 15वां टर्म। तो देखिए कैसे होगा, पहले जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है A1 = 3, सेकंड टर्म दिया हुआ है A2 = 9, थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 = 15, इस तरह से आगे दिया हुआ है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है A4 = 21, इस तरह से आगे दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एपी में है कि नहीं, एपी के लिए क्या आता है फॉर्मूला कि अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम हो, फिक्स नंबर अगर सेम आता है तो एपी में होता है। तो पहले आप निकालिए D1, तो D1 में होगा फर्स्ट A2 - A1 होगा, यानी A2 है आपका 9, A1 है 3, तो 9 में से 3 घटाने तो 6 आ गया। D2 निकालिए तो इसमें जाएगा A3 - A2, तो इसमें जाएगा 15 - 9, 6। D3 निकालिए तो जाएगा A4 - A3, तो हो जाएगा A4 = 21 - 15, 6। अब देखिए सभी का डी सेम है, इसमें से इसमें गया तो 6, इसमें से इसमें गया 6, इसमें से इसमें गया तो 6, सभी में 6 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस इक्वल टू 6 है। कॉमन डिफरेंस का सभी कॉमन हो गया 6, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस 3, 9, 15, 21, 8 तो ये पता चल गया कि एपी में है, तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, हम लोग को पता चल गया कि एपी में है। अब निकालना है आपको 15 टर्म, तो जनरल फॉर्मूला क्या बताए थे, तो फॉर्मूला बताए थे एन का फॉर्मूला बताए थे A+(n-1)(D), ए के जगह 15 है, एन के जगह पर ए के जगह आपको कितना दिया हुआ है 3, एन हो गया 15 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6 आ गया, तो 3+14 × 6 यानी 3+84 आ गया, 84 में 3 ऐड कर दिया तो 87 आ गया, तो इस तरह से 15 टर्म आ गया। ये 15 टर्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया A15 and 15 टर्म। तो इस तरह से कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए सिखा दिए, दो चीज सिखा दिए, एक एपी को पहचानने का तरीका है कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। फिर उसको कोई भी टर्म निकालने के लिए सिखा दें, जो कि फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का कोई भी मैथ बन सकता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए देखिए बच्चे, अभी क्वेश्चन है टर्म निकालना, ये आपका एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो प्रूफ नहीं करना है, पहले से दिया हुआ है एपी। इसमें कह रहा है कि लास्ट टर्म 124 दे दिया है, कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, इसमें कितने टर्म है, ये निकालना है। देखिए सोल्यूशन इसका कैसे होगा, देखिए A = आपका 6 है, D निकाल दीजिए तो A2 - A1, A2 कितना है क्वेश्चन, देखिए एक फर्स्ट टर्म, एक सेकंड टर्म, एक थर्ड टर्म, एक फोर्थ टर्म, तो A2 आपका आ गया 10 - 6 यानी 4 आ गया, D निकल गया। अब जनरल फॉर्मूला देखिए, A दिया हुआ है 124, अब फॉर्मूला आता है A+(n-1)(D),
एडवांसमेंट। ए एक जगह पर आपका सिक्स हो गया, एन मालूम नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। ये डी आपका मिला हुआ है फोर एडवांसमेंट हो गया सिक्स वाला, एन माइनस फोर एन हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, इसको एडवांस ट्वेंटी इसको इंटू कर दिए फोर से, तो फोर एन माइनस फोर। अब देखिए फोर एन आ गया, ये फोर में सिक्स में फोर चला गया, ये प्लस है माइनस है, सिक्स में फोर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस टू बचेगा, ये वन ट्वेंटी तो बच जाएगा। एन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर, प्लस यहाँ प्लस है जाएगा माइनस हो गया, देयर फोर एन इक्वल कितना आ गया बाई फोर होगा। देखिए एक करके यहाँ फोर एन है घटा है तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी टू। आप इसमें ध्यान दीजिए ए फोर एन है तो एन इक्वल हो जाएगा वन ट्वेंटी टू बाई फोर। अब डिवाइड कीजिए चर्चो को सोलह चर्ती बारह फोर्टी थ्री, यानी फोर्टी थ्री टर्म, देयर फोर एन एथ टर्म एन इक्वल टू फोर्टी थ्री टर्म्स, यानी इतना टर्म्स आया इसमें, यानी ये जो निकला है वन ट्वेंटी फोर टर्म है फोर्टी थ्री मा टर्म है, फोर्टी थ्री टर्म है। तो इस तरह से ए निकाला जाता है। आप देखिए अपना निकला है सही कि गलत, इसके लिए चेक बन जाएगा, बन जाएगा। आप देखिए फोर्टी वन टर्म में इतना आ जाएगा तो चेक कर देते हैं, चेक ए बराबर आपका सिक्स हो गया, एन बराबर फोर्टी थ्री हो गया और डी बराबर आ गया फोर। तो एन के फॉर्मूला को सेट कर दीजिए, डी ए के जब फोर्टी थ्री है तो ए प्लस फोर्टी थ्री माइनस वन इंटू डी, ए आ गया आपका सिक्स प्लस फोर्टी टू इंटू डी फोर है टू फोर सिक्स प्लस चार सौ आठ वन सिक्सटी एट एड करते वन ट्वेंटी फोर। देखिए ए फोर्टी थ्री मार्टन आपका वन ट्वेंटी फोर आ गया। तो मान लीजिए एग्जामिनेशन में अगर पता नहीं चला है कि आंसर सही है तो इधर चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कर लिए आपका फोर्टी वन टर्म वन ट्वेंटी फोर आ गया, उसमें दिया हुआ था और कितना टर्म आया फोर्टी थ्री टर्म आया। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको टर्म पहले ध्यान दीजिए, टर्म फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, कॉमन इधर निकालिए क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट।